नमस्ते, सदा वसली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारत के पांचवी पीढ़ी के एयरक्राफ्ट AMCA पर काम हुआ तेज। AMCA के मॉड्यूलर कॉकपिट शेल बनाने के लिए प्राइवेट फर्म्स को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। अब भारत निर्मित AK-203 का निर्यात भी किया जाएगा। DRDO अब भारत की तटीय सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर फर्म के साथ मिलकर ओवर द होराइजन रडार को बना रहा है। भारतीय नौसेना का तीसरा गोवा मैरिटाइम समिट, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के 12 नौसेना प्रमुख लेंगे हिस्सा। फ्रांस अब भारत की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में करेगा मदद। भारत और फ्रांस के बीच लगातार रणनीतिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में अब फ्रांस ने कहा है कि वह भारत को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत होगी। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने फ्रांस के समकक्ष के साथ बातचीत की, और इस बातचीत के बाद जो संयुक्त बयान आया उसमें कहा गया कि फ्रांस वायु, समुद्र, भूमि और साइबर डोमेन में नवीनतम सैन्य टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भारत के साथ एक टेक्नोलॉजी भागीदार बनने को इच्छुक भी है। इसके अलावा फ्रांस ने इंडो पैसिफिक रणनीति में अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने पर जोर भी दिया है, और फ्रांस भारत के साथ पहले से ही कई तरीके के रक्षा सौदों में साथ में रहा है, जिसमें कि डसॉल्ट का राफेल। इसके अलावा आने वाले समय में भारत को परमाणु पनडुब्बियों में मदद भी करेगा फ्रांस। BSF को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि 8 नवंबर से 10 नवंबर के बीच राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार मध्य प्रदेश के टेकनपुर BSF अकेडमी में आयोजित किया जाएगा। इस सेमिनार के दौरान देश में सुरक्षा को लेकर उभर रही चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में ITBP, CRPF, SSB, भारतीय तटरक्षक बल और विभिन्न राज्य पुलिस संगठनों के अधिकारियों के साथ पूर्वी और पश्चिमी थिएटर के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। दोस्तों, AK-203 राइफल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी टेक्निकल और कमर्शियल बिट्स को रक्षा मंत्रालय को सौंपा है। इसके अलावा इस जॉइंट वेंचर ने, जो कि भारत और रशिया का है, उसने कीमत और स्वदेशी योजना, इसके अलावा भर्ती करने की योजना को फाइनल कर लिया है, और इस समझौते पर जो फाइनल दस्तखत किए जाएंगे वो अगले महीने किए जाएंगे, जब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। अधिकारियों ने कहा कि अभी कुछ और महीनों का वक्त लग सकता है पहले AK-203 राइफल्स को भारत में बनाने के लिए। बता दें कि भारत में बनने वाली AK-203 को अब भारत ने एक्सपोर्ट लिस्ट में भी डाल दिया है, क्योंकि भारत को इस कॉन्ट्रैक्ट में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, और भारत AK-203 का निर्माण स्वतंत्र रूप से करेगा। लेकिन अब बात आती है स्पेयर पार्ट्स और मटेरियल्स की। क्या हमें इसके लिए भी रशिया पर डिपेंड रहना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, इसका भी तरीका भारत ने निकाल रखा है। भारत लोकल मैन्युफैक्चरर से स्पेयर पार्ट्स और मटेरियल्स को खरीदेगा। इसके अलावा रशिया भारत को 7.62/39mm की AK-15 राइफल्स को भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस और 3 राज्यों को सप्लाई करेगा। दोस्तों, भारत की तटीय सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होने वाली है, क्योंकि अब DRDO ओवर द होराइजन रडार सिस्टम पर काम कर रहा है। दरअसल जो कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम होते हैं और जो शिप बोर्न रडार सिस्टम होते हैं, उनकी एक निश्चित दूरी होती है, यानी कि बहुत कम दूरी पर ही वो अपने लक्ष्य को ट्रैक कर पाते हैं, जिसका कारण होता है पृथ्वी का होराइजन। लेकिन अब DRDO ग्राउंड बेस्ड ओवर द होराइजन रडार सिस्टम के प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है, जिससे कि भारत को इंडियन ओशन रीजन में चाइना की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने में मदद मिलेगी। यही नहीं, DRDO इसे प्राइवेट सेक्टर फर्म के साथ मिलकर बनाएगा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे कि DRDO ने चुना है। अब ये कंपनी ब्रॉडबैंड हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट एंड रिसीव एंटीना सिस्टम DRDO को सप्लाई करेगी, जिसे कि DRDO ओवर द होराइजन रडार सिस्टम में लगाएगा, जो कि हजारों किलोमीटर तक बियॉन्ड द होराइजन में काम कर पाएगा। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है भारत के AMCA प्रोजेक्ट को लेकर। जैसे कि पिछले हफ्ते आप सबको मालूम चला था कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी AMCA के कॉकपिट और उसके अन्य मॉडल्स पर काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल AMCA के पहले टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के रूप में किया जाएगा। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कहा जा रहा है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर फर्म्स ने टेक्निकल इवैल्यूएशन पास कर लिया है, जो कि AMCA के मॉड्यूलर कॉकपिट शेल के डिजाइन, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन के लिए है। इस प्राइवेट फर्म का नाम है कुमारिया सिस्टम, और ये विनिंग बिडर के रूप में सामने आई है। बता दें कि ये कंपनी करीबन 1.72 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। वहीं दूसरी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां वर्डन टेलीमेट्री और एंटीना सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को सेलेक्ट किया गया है, जो कि AMCA के लिए हाई फ्रिक्वेंसी कंफर्म्ड एंटीना को तैयार करेंगी और उसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को 5 लाख की लागत में सप्लाई करेगी। साथ ही ये फर्म्स अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी सेटकॉम कन्फर्मल एंटीना को भी डिजाइन करेंगी, जिनकी लागत 5,34,000 रुपए है। हालांकि दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, जो कि AMCA में
पार्टिसिपेंट करेंगी उनके लिए इन्वेस्टमेंट का भी एक क्लॉज रखा गया है, जिसमें कि उन्हें अपनी तरफ से भी निवेश करना होगा इस प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी स्पेशल कोचिंग भी बना रही है ग्लास कॉकपिट सिस्टम के लिए, ताकि इसके रडार रिफ्लेक्शन को कम किया जा सके। यही नहीं, इसके अलावा जमीनी स्तर पर AMCA का इंटरनल वेपन बे भी बन रहा है और इसके अलावा बाकी की तकनीकें बन चुकी है। इसके अलावा DRDO सेल्फ हीलिंग बायोमेट्रिक मटेरियल भी बना रहा है। अब ये लग रहा है कि AMCA में भी सेल्फ हीलिंग सेल्फ रिपेयरिंग मटेरियल्स लगे होंगे। ADHL के साथ मिलकर और भी कई कंपोनेंट्स जैसे कि एक्वेटर्स, लैंडिंग गियर और ब्रेक्स को बना रहा है। बता दें कि AMCA का टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर 2024 में रोल आउट होगा और इसकी पहली फ्लाइट 2025 में होगी। सेकंड टेक्नोलॉजी का डेमोस्ट्रेटर 2025 तक रेडी भी हो जाएगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि काम किस तरीके से हो रहा है भारत के AMCA प्रोजेक्ट पर। लगातार अलग अलग चीजों पर काम किया जा रहा है, अलग अलग सेक्शंस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर फर्म्स की इन्वेस्टमेंट भी इस पे हो रही है। तो दोस्तों, समय के साथ आपको दिखेगा कि आखिर AMCA कितना घातक होने वाला है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। गोवा समुद्री सम्मेलन का तीसरा सत्र 7 से 9 नवंबर के बीच में आयोजित हो रहा है। पहुंच को बढ़ाने संबंधी भारतीय नौसेना की इस पहल में हिंद महासागर क्षेत्र में गैर पारंपरिक खतरों तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नौसेना के वक्ता ने बताया कि हिंद महासागर के 12 तटवर्ती देशों जिनमें कि बांग्लादेश, कोमरस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के नौसेना के अलावा समुद्री सुरक्षा बलों के प्रमुख इसमें हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, ये तभी देखिए टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।